हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में सीधी बात करेंगे, कोई लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि प्रॉपर एनालाइज करने का इतना वक्त नहीं होता है। इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ आज इसके अंदर क्या सीन क्रिएट होगा। गाइस अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जो मैंने दो दिन पहले बनाई थी, उसके अंदर मैंने सीधा सीधा आपको एक संकेत दे दिया था कि गाइस इसके अंदर एक लोअर सर्किट लग सकता है। लोअर सर्किट नहीं, मैंने आपको फ्लक्चुएशन कहा था कि इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है जो एक डाउनवर्ड साइड शो करेगी। तो वो एक अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट सेम टू सेम हुई है जो मैंने कही थी। अब इसमें सीन क्या क्रिएट हुआ, यहाँ से ऊपर भी उठ सकता था, लेकिन आप वॉल्यूम चार्ट देखिए इसका। वॉल्यूम चार्ट के अंदर क्या हुआ कि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई इसके अंदर, और सेलिंग के कारण जो शेयर है वो ऊपर नहीं उठ पाता, और इसके अंदर ज़्यादा सेलिंग हो गई क्योंकि जो अपने जैसे जो रिटेलर्स होते हैं उन लोगों ने भी अपना एक लोअर साइड देखते ही सोचा कि इसके अंदर हम अपनी सेल आउट कर दें तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से शेयर में सेलिंग ज़्यादा हो गई और बाय इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, तो लोग वहाँ पे थोड़ा धोखा खा गए और शेयर नीचे गिर गया। अब इसके अंदर ज़्यादा नीचे क्यों नहीं गया, 23.60 पे क्यों रुक गया, तो गाइस लिमिट होती है किसी भी शेयर की हर एक की। आलोक इंडस्ट्रीज़ का आप देख सकते हैं अगर बढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि अभी 26 पे है तो 26 से सीधा 32 पर चला जाएगा, नहीं, ऐसा इसके अंदर कोई सीन क्रिएट नहीं होगा। सबका एक बेस वैल्यू होती है, वो वहाँ तक ऊपर जा सकता है अपर सर्किट के अंदर, वहाँ से नीचे आ सकता है लोअर सर्किट के अंदर। अभी ये 23.60 से नीचे जाने की इसकी कोई भी कैपेसिटी नहीं है, इसके नीचे जाएगा ही नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो नेक्स्ट सेशन में जाएगा, इस सेशन में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो गाइस मंडे ट्यूसडे को हमको होपफुली मंडे को ही इसके अंदर अपर साइड देखने को मिल जाएगी। और क्यों मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी एमओ ऑर्डर्स भी लगेंगे, वो हम मार्केट के बाद देखेंगे क्या होगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जितनी भी कैंडल्स दिख रही है हमें ग्रीन, यहाँ पे नीचे हमारे बाय जोन में दिख रही है 2,500, 6,000, 7,000, 10,000 जितनी भी यहाँ पे बाय बाय के अंदर ही हमारी हो रही है। तो गाइस सेलिंग भी हमारी हो रही है, बाय भी हमारी हो रही है, सेलिंग कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू बाय। तो इसके अंदर होपफुली हमको जो अगर एमओ ऑर्डर ज़्यादा लगेंगे तो इसके अंदर हमको मंडे को भी अच्छा खासा हमको एक फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा जो एक पॉजिटिव साइड शो करेगा। लेकिन अगर उस दिन भी लोग ने एक सेलिंग वाली जो अपनी सीन क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो सेलिंग वाला सीन ऐसे ही क्रिएट रखा तो इसके अंदर फिर से एक प्रॉपर लोअर सर्किट लग सकता है। उसमें कोई भी सीन मैं आपको नहीं कह सकता, ये सब एक जो इंडिकेटर है वो शो कर रहे हैं, मैं आपको उसी के बेस पर बता रहा हूँ। जो यहाँ पे आप लास्ट सेकेंड कैंडल देख रहे हैं वहाँ पे ये ऐसा शो कर रही है कि इसके बाद से इसको ऊपर उठाने की कोशिश करी जा सकती है। अगर आप ये एनालाइज कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जो सेकंड ग्रीन सिग्नल जो कैंडल दे रही है उसके बाद इसके अंदर क्या होगा। सब कुछ डिपेंड करेगा एक एमओ ऑर्डर्स पे, और मंडे मार्केट में अगर आप सेलिंग नहीं करते हैं तो गाइज मैं तो आपको सिर्फ ये किराया दूंगा, अगर आप सेलिंग नहीं करोगे तो ये बेटरमेंट में रहोगे। बहुत सारे हैं जो सेलिंग कर रहे हैं लोअर साइड देख के। इसके अंदर अभी एमओ ऑर्डर्स कौन से लगेंगे वो भी हमें देखना पड़ेगा, सेलिंग के लगेंगे बाइंग के लगेंगे वो मार्केट के बाद ही पता चलेगा जैसा भी सीन होगा। तो गाइज अभी के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो में इतना ही है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है, कोई भी एक एनालाइज वीडियो नहीं है, प्रॉपर बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए।